गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूएसडी एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मई 2023। आज डॉलर रुपी एक नैरो रेंज में ही ट्रेड किया। इट ओपेंड इन आवर इंडियन मार्केट एट 82.76, ट्रेडेड हाई ऑफ 78, लो ऑफ 71 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 74, 82.74 एट 3 ट्रेडिंग। सो बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड हुआ है। बेसिकली मार्केट इज जस्ट वेटिंग फॉर सर्टेन क्लोज। अगर हम इसको करेंसी फ्यूचर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आज 9 o'clock करेंसी फ्यूचर जो में एक्सपायरी है, इट ओपेंड एट 82.7450। देयर आफ्टर इट ट्रेडेड इन बिटवीन 82.78 ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड 82.71। इसी रेंज के अंदर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन। मार्केट जब साइडवेज ट्रेड करता है तो काफी मींस ट्रेडर्स को काफी फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको बाई का कॉल मिलेगा, ना ही आपको सेल करके कुछ मजा आएगा। मींस बाई करके कट और सेल करके, दैट मीन द केस क्या करना है। तो जब तक एक ट्रेंडेड कुछ सिस्टम नहीं मिलता है तब तक हमें इंतजार करना है। वो ट्रेंडेड सिस्टम कैसे मिलेगा? डिफरेंट ट्रेडर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। अभी जैसे कि हमारा ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में एक स्विंग लो बनाया। अभी हमें एक मजा आएगा ट्रेड करके फ्रॉम द सेल साइड। कब मजा आएगा? इस लो को तोड़ के, यानी यहाँ पे जो एक लो बनाया हुआ है उसको, लो को जैसे ही तोड़ेगा ऐसा करके, उसके बाद हमें एवरी ऑप्टिक वी कैन गो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसमें आप हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं। और हम अगर देखेंगे एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के, सो वी जस्ट आपका उसी लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है इसको तोड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे जो लो है दैट इज आपका 82.67। इसके नीचे जैसे ही आवरली बेसिस पे क्लोज देगा, चाहे वो कल दे या मंडे को दे, उसके बाद ट्रेड करने के लिए एक डायरेक्शन है। प्रायर टू दैट, उससे पहले हमें इधर ट्रेड कर करके फ्रस्ट्रेट होना है या हमें साइड में वेट एंड वॉच करना है। सो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते जब तक एक डायरेक्शन ना दे। आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं इंतजार करूंगा प्रॉपर आवरली बेसिस पे 82.67 के नीचे क्लोज दे दे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें ट्रेड करने के। सो नथिंग मच टुडे आल्सो, अनदर कंसोलिडेशन एरिया। वो कंसोलिडेशन का वन मोर इंग्रेडिएंट इज योर RSI 14। RSI 14 5 मिनट के चार्ट में आप अगर देखोगे ये 40-60 के बीच में ही अटका हुआ है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आपको मींस कुछ मिल नहीं रहा है, ट्रेंड नहीं है, एक मोमेंटम इज मिसिंग इन एनी डायरेक्शन, बी फॉर द बायर्स और फॉर द सेलर्स। इसमें आप देखोगे जब जब ये आपका बिलो 40 में गया है, एक ट्रेंडेड मूव मिला है, एंड जब जब ये अबव 60 सस्टेन किया है, आप अगर देखोगे RSI को, एक ट्रेंडेड मूव मिला है। सो हमें अगर अगर ट्रेंडेड मूव मिलना है उसी हिसाब से, तो RSI चाहे वो 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या वो आपका 15 मिनट का हो, इंट्राडे के लिए आप 5, 10 या 15 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, हायर टाइम फ्रेम का आप एक ट्रेंड डायरेक्शंस के लिए हेल्प ले सकते। जब तक ये अबोव 60 कंटिन्यू नहीं करता है RSI, RSI क्या है? रेगुलर RSI, RSI 40। RSI में हम 40-60 को ही यूज करते हैं, सम पीपल में यूज 30-70, उनका चॉइस है, उनका श्रद्धा है, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो 40-60 का है। स्टीव
निसेन का नहीं है, एंड्रयू कार्डवेल का है। एंड्रयू कार्डवेल जो आपका ये आरएसआई को उनकी रिसर्च, डीप रिसर्च के ऊपर काफी एनालिसिस करके काफी डायरेक्शंस दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम 40-60 इज ए साइडवेज इन एनी टाइम फ्रेम। दैट बीइंग द केस, हमें अगर आरएसआई में जब तक अबव 60 सस्टेन नहीं करता है या अबव बिलो 40 सस्टेन नहीं करता है, तब तक इस टाइप का मीन्स फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडिंग डेज चलते रहे। सो अवॉर्डली लाइन चार्ट में इस टाइप का होना चाहिए, जाके सेलिंग के लिए हमें कुछ आइडिया मीन्स ट्रेड कर सकते हैं, और अदरवाइज आरएसआई जो है 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में अबव 60 सस्टेन करना चाहिए या बिलो 40 सस्टेन करना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन मेक गुड मीन्स ट्रेडिंग डिसीजंस एज फार एज द इंट्राडे ट्रेडिंग इज कंसर्न। सो करेंसी डॉलर रुपी पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।